जी मैं गुड़गांव से आया हूँ एंड मुझे मल्टीपल लाइकोमा का काफ़ी प्रॉब्लम्स थे राइट हैंड में स्पेशली. ऐसे तो अभी बहुत सारे हैं पर मैंने अभी इनिशियली 30 के करीब निकलवाया है. सो अभी भी है प्रॉब्ली. मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो मैं और भी निकलवाऊँगा. पर कब निकलवाए थे हमने ये? हमने निकलवाया था 2 दिन पहले, डेट इज ऑन फ्राइडे. उसके बाद आप कंफर्टेबल है? कल काम किया ऑफिस में जाकर कुछ? वर्क फ्रॉम होम है शायद. वर्क फ्रॉम होम है तो मैंने घर से काम किया. तो यहाँ पे बैंडेज था थोड़ा सा, हैंड मूवमेंट उसके वजह से नहीं है, बट अभी ठीक है, अभी नॉर्मल है. फर्स्ट नॉर्मली बैंडेज रखते हैं. हाँ. एंड कोई डर था मन में कि ये हाथ मेरा कमजोर हो जाएगा, नमनेस आ जाएगी, ये सब फियर्स थे कुछ ऐसे? क्योंकि अराउंड 30 के करीब लाइकोमा पूरे में आए हुए थे. थोड़ा सा तो डर था मुझे. क्या फियर था स्पेशली इस वाले एरिया में कि मतलब यहाँ पे जब आप करेंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा एंड ऑल, वो काफी ज्यादा था मुझे. बट इनिशियली ड्यूरिंग द प्रोसीजर उतना भी नहीं था, बट डिस्कम्फर्ट था, बट दैट वाज मैनेजेबल. दैट वाज वे मैनेजेबल देन व्हाट आई थॉट. ओके. एंड फॉर दिस व्हाट ऑल ट्रीटमेंट यू हैव टेकन? क्या डाइट के बारे में आपने काफी रिसर्च करी होगी इसके ऊपर, सो व्हाट ऑल यू थिंक, व्हाट क्या क्या किया एंड क्या उसका रिजल्ट रहा? मैंने यूजली सुना था कि नॉनवेज नहीं खाना है, लाइक एग चिकन हाई प्रोटीन वाली चीज नहीं खाना है. बट ऑब्वियसली आप प्रोटीन के बिना तो आप नहीं रह सकते, तो मैंने ऑलमोस्ट नॉनवेज छोड़ ही दिया है. छोड़ने के बाद भी कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा है मुझे. क्योंकि कॉमन मिथ है कि इफ यू टेक नॉनवेज दिस विल इंक्रीज, बट देयर इज नथिंग लाइक दैट. देयर आर पेशेंट्स जिन्होंने कभी नॉनवेज को टच भी नहीं किया, उनके भी हंड्रेड्स में लाइकोमा है, और जो रेगुलर नॉनवेज खाते हैं और उनके 4-5 भी हैं. पर थी मैंने काफी बचपन में डैड ने दिलवाया था, बट वो फिर मैंने मेरे ख्याल से 2-3 महीने खाए थे मैंने, उसके बाद कुछ इफेक्ट नहीं, कुछ इफेक्ट नहीं था. बचपन में काफी कम थे मुझे एक्चुअली, मतलब 2-3 ही थे. बट ऐसा तो नहीं है मेडिसिन खा के बढ़ गए? हो सकता है, मे बी मेडिसिन खा के बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, मेडिसिन से बढ़ते हैं ना कम होते हैं. बट एक्चुअली आदमी को तो लगता है कि मेडिसिन खा के शायद रुक जाएंगे, पर रुकते तो है नहीं. एंड अर्ली एज में खा लेते हो, बढ़ते हैं, तो आदमी यू कोरिलेट की इससे बढ़ गए. बट प्राइमरली देयर इज नथिंग. बट हाँ, इफ यू टेक स्टेरॉइड्स, मैं मना करता हूँ. कई बार जिम में लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, दे आर नॉट रिकमेंडेड. नॉर्मल डाइट, नॉर्मल प्रोटीन, एग, नॉनवेज, इसका कहीं कोई रिलेशन नहीं है. नो प्रूवन थिंग एंड नो अवेलेबल मेडिसिन आज के डेट में नहीं है. कल को फ्यूचर में आ जाए यू कैन नेवर से, बट टिल डेट देयर इज नथिंग अवेलेबल फॉर दिस. एंड दिस इज नॉट जस्ट माई एक्सपीरियंस, देर आर हंड्रेड ऑफ पेशेंट. जो कोई US से आता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, उन्होंने अपनी वहाँ की लोकल मेडिसिन XYZ ट्राई की. कोई 15 साल से सफर कर रहा है, कोई इसके ऊपर 20 साल से रिसर्च कर रहा है, बट टिल नाउ दे आर नॉट, एंड देर मतलब PhD कर रखी है लोगों ने इसमें, बट दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. दे हैव ट्राइड ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन, कुछ को साइड इफेक्ट हो गए, किसी ने अपने हाथ चला लिए कुछ लगा लगा के फालतू में, किसी ने अपने लाइकोमास को ब्रेक करके मल्टीपल बना लिए, एक की जगह 10-10 भी बना लिए. एंड कई लोगों ने मसाज भी कराई इसमें. मना करता हूँ मैं कि आप इसको ज्यादा टच ना करें. पेनफुल रहता था? हाँ, पेनफुल रहता था काफी, तो मैं यूजुअली मना करता था. हाउ यू आर फीलिंग? मतलब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फियर तो यही होता है कि मेरी मूवमेंट ना चले जाए, कहीं मूवमेंट कुछ ना हो जाए. वो सब कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है. मतलब जस्ट ऑपरेशन के बाद, मतलब सर्जरी के बाद भी मतलब मूवमेंट काफी बढ़िया जाते हैं. आई थिंक इवनिंग में कंप्यूटर पर लग गया, आजकल काम में आएगा जो वगैरह. तो ये जो चीज होता है, ये अगर आप बाहर जाते हैं, अगर कोई देखता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, खुद का कॉन्फिडेंस कम होता है कई बार. बट मैंने ऐसा भी देखा है कि अभी भी हमारे पास कुछ अच्छी, मतलब पुलिस में एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, जॉब तो मिल गई थी, उसके बाद थोड़े से बड़े हो गए और अब उनको प्रमोशन नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ दिस मेडिकल रीजन. ऐसे एक अच्छे फेमस पॉलिटिशियन थे, उनको भी टिकट ही नहीं दे रही कि कल को यहाँ इसको तो कैंसर हो जाएगा, इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे अब ज्यादा. दिस टाइप ऑफ फीलिंग पीपल हैव इन देयर माइंड, तो वो आपको डरा देते हैं. एक्चुअली इससे ऐसा कोई इशू है नहीं, इट इज मोर ऑफ कॉस्मेटिक वैल्यू. हाँ, देयर आर पेशेंट्स जिसके अंदर लाइकोमास इतने इतने बड़े हो गए कि उन्होंने ब्लड वेसल्स, नर्व्स के ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया, देन दोस्त वो तो उनके लिए तो मस्ट ही है, उनको तो निकालना ही है. मैनी ऑफ दोस्त जो हम छोटे हैं, आप कॉस्मेटिक रीजन फर्स्ट है, सेकेंडली
योर सोशल योर सेल्फ स्टीम है, थोड़ा बहुत सोशल क्वेश्चन भी रहता है, सोशली भी आप कपड़े पहन रहे हो या कोई हाथ लगा के देख लेता है एंड मेक यू कॉन्शियस. तो दीज आर 3-4 रीजन जिसके कारण आपको इनको निकलवाना है. लेकिन वो पूछ लेते हैं कि ये क्या है, then I have to answer कि lipoma है, and they again ask कि क्या lipoma क्या होता है, तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है. बट मतलब ये स्पेशली ये एरिया को निकालने के बाद आई एम फीलिंग वेरी लाइट इन माय हैंड, मतलब वो काफी अच्छा फीलिंग है. स्पेशली यहाँ पे भी जो बड़ा सा था तो इसके वजह से तो और भी ज्यादा विजिबल हो जाता. कितना बड़ा था उधर वाला, इधर वाला कितना बड़ा था वो, तो ये मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है. ये तो फिर भी छुप जाता था. खुद ड्राइव करके आया था, ड्राइव करके गया था नहीं, मैं कैब से आया था, कैब से गया, कैब से चले 2 घंटे में आया था.